अभी मैं निकल पड़ा हूँ दौलताबाद किले के लिए, जो कि रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर की दूरी पे है। तुम टैक्सी या फिर बस से भी वहाँ पे जा सकते हो। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं दौलताबाद किले के। ये किले के बाहरी दीवारें तुम देख सकते हो काफी टूट चुके हैं। मैं आ चुका हूं अभी दौलताबाद होटल में, देवगिरी होटल। समोसा ऑर्डर किया वाला है, समोसा आ चुका है अभी। चलो फाइनली मैं पहुंच गया दौलताबाद किले के पास। अभी दिखाऊंगा मैं अभी अंदर कैसा है क्या नहीं। चलो चलते हैं अंदर। अभी हमने यहाँ पे टिकट ले लिया, पर हेड टिकट है 25 रुपीस और टिकट कुछ इस तरह का है, और ऊपर सिंबल भी दिया गया है स्वच्छ भारत अभियान का, तो काफ़ी अच्छा है। ये जो देख रहे हो ये मेन गेट, महाकोट गेट के नाम से भी इसको पहचाना जाता है। ये मेन गेट किले का जो बड़ा वाला गेट है। ये किले का 2 नंबर का गेट। अभी यहाँ पे बारिश आ चुकी है। और यहाँ आप देख रहे हो बाहर ऐसे तोहफे वगैरह रखे वाली है, यहाँ पे बहुत सारे तोहफे। वहाँ पे तुम देख रहे हो बड़ी वाली तोहफे, यहाँ पे भी एक तोहफे, एक छोटी वाली तोहफे। मैं आ गया था दौलताबाद एक्सप्लोर करने के लिए। देख सकते हो बाहर बारिश आ रही है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। देख सकते हो पूरे बाल मेरे पूरे कच्चे कच्चे हो गए बारिश की वजह से। ये चांद मीनार फ्रेंड्स, तुम देख रहे हो ये चांद मीनार है, और इसका निर्माण किया था अलाउद्दीन भाई शाह ने, जो अभी 3 मंजिल है। इसकी ऊंचाई है 210 फीट और अंदर से सब पत्थर की सीढ़ियाँ है, वो सीढ़ियाँ है 240, कुछ इस तरह दिखता है उसके आसपास। तुम देख सकते हो बारिश अभी भी हल्की हल्की चालू है, बूंदाबांदी। अगर बारिश बंद हुई तो अच्छी बात है, वरना हम यहाँ से चले जाएंगे। स्विमिंग पूल है उस टाइप का यहाँ पे बनाया वाला है, काफ़ी बड़ा है। और पीछे वहाँ पे तुम देख रहे हो ऊंचाई, तो वहाँ पे हमको जाना है। आज भी संडे है, मैं हर संडे के दिन बाहर निकलता हूँ घूमने के लिए, काफ़ी मज़ा आती है। तुम फोटोज नज़र उतार रखते ना।
वो लगभग 900 साल पुराना किला है और अभी भी इसकी जो हालत है बहुत सही है, और जहाँ जहाँ पर कुछ ख़राब हुआ वहीं पे कुछ काम चल रहा है मेंटेनेंस का, तुम देख सकते हो ये सब काम वगैरह कुछ पत्थर वितर लाए गए वाले हैं, काफ़ी बढ़िया और काफ़ी सही तरीके से इसको बनाया गया वाला है। दोस्तों आपको एक मैं एक बात बताऊंगा इस किले के बारे में, ये किले का निर्माण किया था राजा भिल्लम ने, और इस बात मतलब ये जो किला है इसके बारे में अगर जो कुछ भी कहा जाए तो बहुत ही कम है। ये मध्यगुण काल का सबसे ताकतवर किला माना जाता था, और ये किले की खासियत है जिसने ये किला बनाया वो भी इसमें ज़्यादा टाइम तक राज्य नहीं कर पाया, और इस किले पर बहुत लोगों ने मतलब राज्य किया था, उसमें खिलजी था, मुगल था, एक गेट है 5 नंबर का, इसका नाम है कालाकोट गेट। अभी इंटर कर रहा हूँ कालाकोट दुर्गे के अंदर से, कहाँ जा रहे हो, काम कर लेके आओ, कहाँ जा रहे हो, ऊपर तक जा रहे हो लेके? हाँ काम चालू है, काम चालू है, ठीक है ठीक, अंकल नीचे से ऊपर तक कुछ लेके जा रहे, ऊपर काम चालू है मेंटेनेंस का। हम ये है मेंढा तोप, औरंगजेब ने इसे बनवाया था, इसका निशान है 9 किलोमीटर। अभी कुछ इंस्ट्रक्शन दिए वाले हैं, किले के साइड में कुछ इस तरह खोद के रखा वाला है ताकि अंदर दुश्मन ना आ सके, और इसके अंदर पहले पानी रहता था, पानी के अंदर रहते थे मगरमच्छ, अगर गलती से भी दुश्मन अंदर चले गए तो फिर बच ना पाए, काफ़ी गहरा है। और यहाँ पे जाने के लिए एक छोटा वाला लोहे का ब्रिज है, वहाँ से देख सकते हो इस तरह कुछ पानी वगैरह है, कितना गहरा दिख रहा है यहाँ से, कितना ऊंचा है, कितना ऊंचा है यार। चलो अभी हम जा रहे हैं अंदर, कुछ इस तरह है, नीचे से ऊपर, नीचे से क्या,
लगला ना। आ चुके अब हम ऊपर, ऊपर से कुछ इस तरह से दिखता है। और ऊपर जाना है, थोड़ा ऊपर जाना है। हम अभी टॉप पे जा रहे हैं। बहुत थक गया, पता नहीं और कितना दूर है, ऊपर जाके दिखाएंगे आप सब आपको। अब तिथुन रिस्क नहीं घे, नहीं नहीं मी नहीं भाऊ, मी खाली है तत नहीं भाऊ। मग तेच बाबू आपले जण होय ना ते किल्ल्यावर इकुने इकुने। वाव अल्टीमेट, अल्टीमेट व्यू, अल्टीमेट क्लाइमेट। बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, देख सकते नहीं सब दौलताबाद। वाओ क्या व्यू है यार, बहुत ही बढ़िया लाजवाब व्यू है। हवा हम बताते हैं अल्टीमेट व्यू है, अल्टीमेट टॉप पे आ चुका हूँ मैं अभी, यहाँ पे एकदम टॉप पे। बारिश हो रही है यहाँ पे,